हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश भी होंगे, मस्त भी होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, फिर से बारिश बार बीच बीच में होती है, फिर बंद हो जाती है, फिर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। टेम्परेचर जैसा लगता है कि बिल्कुल मई जून वाला आ गया, उस तरीके से गर्मी हो जाती है। और मेरा तो जो जो मेरा मकान है, यानी जो मेरा हाउस है, तो वो पूरा मुखी है, तो वैसे भी मॉर्निंग से ही पूरी धूप आ जाती है और बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है। तो सुबह के टाइम करीब 12 बजे तक तो इतने ज़्यादा, जिस रूम में मैं बैठी हूँ, ये रूम बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बाहर जो है कर्टन डाल के रखे हुए हैं कि धूप से कुछ सेफ्टी हो जाएगी। और अभी मैंने कुछ दिन के लिए कर्टन हटा दिए थे क्योंकि बारिश का मौसम था, तो हवा रुकती थी, तो बहुत ज़्यादा उमस होती थी, उसकी वजह से मैंने कर्टन हटा दिए और धो करके रख दिए। बट धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी फिर से, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं सोच रही थी कर्टन फिर से डाल दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी से प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार तो इतनी उलझन हो जाती है कि समझ में नहीं आता। तो जब मॉर्निंग में थोड़े से दरवाजे खोलने के बाद फिर मैं ये वाला जो कर्टन है, ये कर्टन मैं इस तरीके से डाल देती हूँ। डोर तो खुला रखती हूँ, बस कर्टन को डाल देती हूँ। और आपको ये मेरी साड़ी दिख रही होगी, ये मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है, तो ये टंगी हुई है। और ये देखिए, ये मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि ये साड़ी, तो ये कॉटन बेस की साड़ी है, बहुत ही अच्छी साड़ी है। और अभी मैंने इसको पहना नहीं है, बस ऐसे टंगी हुई है, और पता नहीं इसको पहनने का भी कब मौका आएगा। तो ये मेरी जब से टंगी है से टंगी हुई, तो मैं सोच रही हूँ इसको उठा कर दूँ, नहीं बहुत धूल मिट्टी डस्ट खा जाएगी और गंदी भी हो जाएगी। तो चलिए, ये तो बात होगी साड़ी वाड़ी की, अब मैं आप लोगों से मेन मुद्दे पर आती हूँ। और आज का टॉपिक कुछ खास है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों से बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी को मैंने बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ शेयर किया, नहीं इसके पहले मैंने कभी भी ये रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं की, और मैंने भी काफ़ी दिनों बाद इसे बनाया है। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, और इसको खाने के बाद मुँह में लगता है कि बिल्कुल घुल गई है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप पूड़ी, पराठे, चावल, पुलाव किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए बातें नहीं करते हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, चलिए चलते हैं किचन में, स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो चलिए बस चलते हैं। कुकर में मैंने आलू उबलने रख दिए हैं, तो देखिए आलू उबल गए हैं, और मैं सिर्फ 2 आलू का यूज करने वाली हूँ, और ये बाकी आलू की मैं बाद में बता दूँगी कचौड़ियाँ, तो ये वो नहीं मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये 2 मैंने आलू ले लिए हैं और इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू मैश हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे पनीर और थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच ही डालेंगे इसमें गरम मसाला, और डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके पहले इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कॉर्न यानी कि मैदा, और इसको अच्छे से मिला करके खूब अच्छे से आटा बनाते हैं उस तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा अच्छे से तैयार हो गया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम बनाएंगे इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स यानी कि गोले, जैसे कि हम टिकिया बनाते हैं छोटी छोटी सी, उसी तरीके से हम इसकी टिकिया बनाएंगे और छोटे छोटे बॉल्स बना करके हम एक साइड में रख लेंगे। बॉल बनाने के लिए हम थोड़ा सा कॉर्न हाथ पे लगा लेंगे, आप चाहे तो थोड़ी सी चिकनाई भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें देखिए, और इसमें आप कोई भी अपने मन पसंद का ड्राई फ्रूट भर सकते हैं, मैं इसमें भर रही हूँ कटे हुए बादाम। और देखिए इस तरीके से, जैसे कि हम कचौड़ी बनाते हैं कुछ इस तरीके से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बना के इसे रोल कर लेंगे देखिए, और ये बहुत आसानी से बन जाती है। और मैं इस पर थोड़ा सा लगा दे रही हूँ मैदा, ताकि ये आपस में चिपके नहीं और थोड़ा सा ड्राई हो जाएंगी, तो ये सिकने में बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनेंगी। तो देखिए सारी बॉल्स को मैंने बना लिया, और इस पर मैंने थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दिया है। अब एक पैन में मैंने सरसों का ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है,
ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो वैसे ही हम इसमें डाल देंगे जो हमने बॉल बनाया है। तो देखिए ऑयल गर्म हो गया है तो हम इस तरीके से इसमें सारे बॉल को डाल देंगे। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके की कोई भी रेसिपी या रेमेडी बनाए तो आप कढ़ाई या पैन जो भी ले तो इस तरीके से चौड़ा वाला ले, मतलब गहरा मत लीजिएगा। इसे उलट पलट के देखिए ब्राउन होने तक मैंने इस तरीके से इस सेक लिया। और ये देखिए हमारे बॉल बन करके रेडी है। ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं किसी भी चटनी या सॉस के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो कई बार जब मैं बनाती हूँ तो वो ऐसे भी खाने लगते हैं। तो देखिए मेरे पूरे बॉल बन करके रेडी है। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं लूँगी पैन फिर से। तो इस पैन में देखिए मैंने इस तरीके से डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी, और आप चाहें तो कोई भी ऑयल या घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देसी घी यूज़ करते हैं तो, या आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा हमारा चटकने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता और कुछ काली मिर्च, और मैंने डाल दी है लौंग। तो ये देखिए सारे मसाले हमारे इस तरीके से तड़कने लगे, और इसमें एक डाल देंगे दालचीनी का टुकड़ा भी। तो देखिए सारे मसाले जैसे ही हमारे भुन जाते हैं तो हम एक दोबारा से इस तरीके से हिला डुला देंगे ताकि जो मसालों की खुशबू अच्छे से इसमें आ जाए। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि जो टमाटर हैं हमारे नर्म और मुलायम हो जाएं, तभी ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखिए थोड़ी बाद मैंने खोल के देखा है तो देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसे अब गैस से नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी जार में डाल करके हम इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से पेस्ट इसका बन करके रेडी हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, पैन को चढ़ा देंगे और उसमें फिर से डालेंगे देसी घी। मैंने एक छोटा चम्मच देसी घी लिया हुआ है और बस इसे हम गर्म होने देंगे। और ये देखिए तुरंत ही मेल्ट हो गया है, क्योंकि नॉनस्टिक पैन वगैरह बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, इनको गर्म होने में टाइम नहीं लगता। तो अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च और इसे इस तरीके से चला लेंगे। इसके बाद जो हमने प्यूरी तैयार की है उस प्यूरी को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे। भूनते हुए हमें 2 मिनट हो गए हैं और गैस का फ्लेम हमने स्लो ही रखा है। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी और इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब। मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे, क्योंकि मसाला हमने ऑलरेडी 2 मिनट पहले ही भूंजा हुआ है। तो हम इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे तली में जल ना जाए। मसाले हमने दोबारा ऐड किए थे वो भी देखिए पूरी तरीके से भुन गए हैं, यानी कि अब ये पूरी तरीके से तैयार है। अब हम क्या करेंगे, जो मसाले हैं इनमें हम डाल देंगे पानी।
तो पानी हमें इतना डालना है कि जो हमने बॉल्स बनाई हैं बस उसमें डिप हो जाए, उसमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना, नहीं तो ग्रेवी हमारी पतली है। करीब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डालेंगे, और वो भी गिलास मैंने छोटा वाला लिया है, जैसे कि बहुत छोटे आकार का गिलास, मैंने गिलास आपको दिखाया नहीं। पानी स्लोली स्लोली डालते जाएं और इसे लगातार चलाते हुए जिस तरीके से आप पानी को मिक्स करते जाएं, ताकि पानी और मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक जगह पे मसाला इकट्ठा ना हो जाए। पानी डालने के बाद इसे स्लो आंच पर हम कम से कम 5 मिनट तक इस तरीके से खौलने देंगे। जब तक कि खौल नहीं आता तब तक हमें गैस के फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, और खौल आने के बाद भी गैस का फ्लेम तेज़ नहीं करना है। 5 मिनट से 7 मिनट तक आपको इसको पकाना है, और 5 से 7 मिनट में ग्रेवी काफ़ी अच्छे से पक जाएगी और बिल्कुल उसका टेक्सचर उभर करके आ गया। करीब मुझे करते हुए इसको 5 मिनट हो गए, देखिए हल्का हल्का सा खौल आ रहा है साइड में, और 2 मिनट बाद मैंने देखा कि देखिए काफ़ी अच्छे से खौल गया है। तो ये देखिए, और मैंने अब इसमें डाल दिया है नमक, क्योंकि मैंने नमक पहले नहीं ऐड किया था, तो अब मैंने डाल दिया है नमक। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि मसाले की जो खुशबू है वो उसके अंदर बरकरार रहे। तो ग्रेवी मेरी जैसे ही तैयार हो जाएगी, देखिए अब आप देख सकते हैं ग्रेवी मेरी तैयार, और कितनी तेज़ी से ये इसमें बबल्स बन रहे हैं। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, इस तरीके से हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी को इसमें डाल देंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ताजी क्रीम। अगर आपके पास ताजी क्रीम नहीं है तो आप जो दूध आता है उसकी ताजी मलाई निकाल के इसमें डाल दीजिए, और इस तरीके से आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, यानी कि जो हमने ग्रेवी तैयार की है उसमें मलाई पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाए। ग्रेवी हमारी पूरी तरीके से तैयार है, तो हमने जो बॉल बनाई थी उसे इसमें इसने डाल देंगे, और बॉल डालने के बाद आपको गैस को ऑन नहीं रखना है, आपको गैस के फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि बॉल ये इतनी सॉफ्ट बनी है, अगर आप इसको डाल के बहुत देर तक गर्म करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो बस मैं बस कुछ ही सेकेंड इसको इस तरीके से ऑन रखूँगी गैस को, और इसके बाद मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। सारे बॉल डालने के बाद मैं इसमें फिर से डाल दूँगी थोड़ी सी क्रीम या मलाई, तो मैंने ताज़ी मलाई का यूज़ किया है, और ये देखिए हमारी रेसिपी तैयार है। तो इसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, और इसमें देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके घर पे अवेलेबल ना हो, देखिए कितनी कमाल की लग रही है। देखा ना आपने कितनी कमाल की रेसिपी है, और इसी रेसिपी को मैंने भी बहुत दिनों बाद बनाया था। ओहो अमेजिंग टेस्टी, इतनी मतलब मुंह में डालते ही बिल्कुल घुल जाए, ऐसी रेसिपी बिल्कुल बंद करके रेडी हुई है। और इसके साथ आप चावल रोटी कुछ भी आप ट्राई कीजिए, सब कुछ बड़ा अमेजिंग लगता है, तो है ना बिल्कुल कमाल की रेसिपी। तो इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर, तब तक ले रहते रहते, आप सब ख्याल रखे, खुश रहें और मस्त रहें।